तो गाइस एक टाइम ट्रेवल वाली मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें टाइम के बारे में दिखाया गया है, मतलब जो टाइम लाइन है उसमें गड़बड़ी हो जाती है और एक लड़की है उसकी जिंदगी को इफेक्ट करने लगता है एंड बहुत सारे और लोगों को भी इफेक्ट करने लगता है, मतलब उस टाइम लाइन में गड़बड़ी हो जाती है। तो वह जो लड़की है जिसकी जिंदगी पर इफेक्ट हो रहा है वह टाइम लाइन को फिर से मतलब ना ठीक करना चाहती है, जिसे पहले नॉर्मल था उसी तरह करना चाहती है। तो वह अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है और उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्या से वह कैसे करती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म को एक शब्द में रिव्यू करूं तो एवरेज। जी गाइस ये फिल्म एक एवरेज फिल्म है। इसमें जिस तरह से टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है वह दिमाग का दही कर देता है और पूरा अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया है और ज्यादा समझ में भी नहीं आता है, जैसे मैदे जैसे होने लगता है, इलॉजिकल चीज मतलब इसमें बहुत सारे दिखाया गया है। हाँ कोई कोई मूवमेंट है जिसे देखने में मजा आता है पर वह मूवमेंट बहुत ही कम है। एक्टिंग की बात करें तो जी हाँ सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रोडक्शन क्वालिटी भी इसका ठीक ठाक देखने को मिलता है। हिंदी डबिंग की बात करें तो जी हाँ इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि ये एक एवरेज मूवी है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मूवी को देखिए। हाँ आपको टाइम से रिलेटेड मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इसे बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देख सकते हैं, ऐसे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा ये मूवी। और हाँ आप चाहे तो इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।